नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक की इस खास सीरीज में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों की जो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं, चाहे वो राजनीति में हो, अपराध में हो या किसी दूसरे क्षेत्र में, जिनका नाम उत्तर प्रदेश के इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो 26 साल से जेल में बंद है, जो कभी मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी आदमी था, फिर उसका सबसे बड़ा जानी दुश्मन बन गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसके नाम पे जाना जाता है कि वो अपहरण किंग था, एक ऐसे शख्स की जिसके नाम से पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग ही नहीं बल्कि अपराधी भी थर थर कांपते थे। एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसके नाम पर बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े नेता और अधिकारी ये सोचते थे कि अगर इसकी नज़र उनके परिवार पर पड़ गई तो उनको 2-4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू श्रीवास्तव की, जिसको किडनैपिंग किंग के नाम पे भी जाना जाता था, और वो आज जेल में बंद है पिछले 26 सालों से एक ऐसे अपराध को लेकर के जिसमें उसकी सज़ा तो पूरी हो चुकी है लेकिन सुनवाई पूरी न होने की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ सका है। दरअसल बबलू श्रीवास्तव एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था और उसके परिवार में पढ़ाई का माहौल था। उसके पिता स्कूल में टीचर थे और वो चाहते थे कि वो लॉ का स्टूडेंट बने और आगे की पढ़ाई करे और अच्छे नाम कमाए, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। बबलू श्रीवास्तव जब लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान उसके एक साथी ने विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ा और उस चुनाव के दौरान दो गुटों की मारपीट में एक लड़के की हत्या हो गई। ये लड़का लखनऊ के एक लोकल माफिया अरुण शंकर शुक्ला और अन्ना महाराज का खास आदमी था। इस हत्या के बाद अन्ना महाराज ने बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों को इस मुकदमे में नामजद कराया, जिसके बाद बबलू श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हो गई। बाद में पता चला कि बबलू श्रीवास्तव का सीधा हाथ नहीं था, इसलिए उसको रिहा कर दिया गया। लेकिन अन्ना महाराज ने बबलू श्रीवास्तव से दुश्मनी ठान ली थी, इसलिए कहा यह भी जाता है कि एक ऐसे झूठे मुकदमे में, जो बेहद छोटा मुकदमा था स्कूटर चोरी का, उसमें बबलू श्रीवास्तव को जेल भिजवा दिया। 15 दिन जेल में रहने के बाद बबलू श्रीवास्तव छूटा, लेकिन वो दूसरा बबलू श्रीवास्तव था। उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, समाज से कोई मतलब नहीं था, अपराध की दुनिया से एक ऐसे ताल्लुक रखा जिसमें वो लगातार सीढ़ियां चढ़ता गया और अपराध की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव ने एक ऐसा नाम कमाया कि जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बबलू श्रीवास्तव ने सबसे पहले अन्ना महाराज के ही गैंग से गैंगवार शुरू की, जिसमें कई लोगों की हत्या भी हुई, लेकिन बबलू श्रीवास्तव उसके बाद यहाँ से भाग करके नेपाल चला गया। नेपाल जाने के बाद वहाँ के राजनेता और दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी दिलशाद मिर्जा से उसकी मुलाकात हुई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बबलू श्रीवास्तव की न सिर्फ पहचान साबित हुई बल्कि उसका नेटवर्क भी बढ़ना शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम के लिए उसने सालों साल तक अपराध के कई काम किए, जिसमें सबसे ज़्यादा काम उसने धमकी देना और अपहरण करने का था। एक वक्त ऐसा आया जब बबलू श्रीवास्तव का नाम किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाता था और उसका अपहरण करने का तरीका भी बेहद अलग था। वो जिसको भी अपना शिकार बनाता था पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाता था, ज़रूरत पड़ती थी तो उसके आसपास बबलू श्रीवास्तव के आस कई लड़के लगातार बने रहते थे, जिससे जब ठीक मौका मिले उसके बाद अपहरण किया जाए। अपहरण की उसने एक नई ऐसी तरीका ईजाद किया जिसको आज तक कोई बदल नहीं सका। दरअसल पहले बिहार में ये तरीका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये तरीका बबलू श्रीवास्तव ही लेकर के आया कि जिसका अपहरण किया जाए उसको दूसरे बड़े गैंग के पास सौंप दिया जाए, यानी मानवाली और बिचौलिए का काम करने वाला दूसरा गैंग भी करता था। बबलू श्रीवास्तव के पास कई ऐसे लोकल गैंग के लोग भी किडनैपिंग करके लाते थे, जो बबलू श्रीवास्तव के नाम का सहारा लेकर के किडनैपिंग की बड़ी रकम वसूलते थे, जिसमें बड़ा हिस्सा बबलू श्रीवास्तव रखकर उस शख्स को भी थोड़ा हिस्सा देता था। बबलू श्रीवास्तव का नाम अपहरण के धंधे में बेहद बड़ा था, जिसके चलते व्यापारी हो या नेता या फिर कोई अधिकारी जिसके यहाँ भी वो शिकार बनाता था वो पैसा देना ही ठीक मुनासिब समझते थे, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अपहरण करने के बाद अगर किसी ने पैसे देने में आनाकानी की या पुलिस को कोई जानकारी दे दी तो उसके बाद बबलू श्रीवास्तव उसके पूरे परिवार पर हमेशा नज़र रखता था और मौका पाने पर उनको अपने तरीके से सबक सिखाने की कोशिश करता था। अपराध की दुनिया में जाने से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान वो लॉ का ग्रेजुएट बनना चाहता था, आगे की पढ़ाई वकील के तौर पर करना चाहता था, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि उसने अपराध के रास्ते पर ऐसा कदम रखा कि फिर कभी वापस मुड़ के नहीं आया।
दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराध के रास्ते पर चलने के बाद बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसे कदम उठाए, कई ऐसे अपराध किए जिसमें लोकल गैंग्स भी उसके दुश्मन बन गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम अरुण शंकर शुक्ल उर्फ अन्ना महाराज का था। लगातार बढ़ती दुश्मनी के बाद बबलू श्रीवास्तव ने सोचा कि उत्तर प्रदेश छोड़ करके वो दूसरे प्रदेश में जाकर या कहीं बाहर जा करके अपना बिजनेस और अपराध जारी रखे। इसी सिलसिले में सबसे पहले उसने संपर्क किया तांत्रिक चंद्रा स्वामी से। चंद्रा स्वामी से मिलने के बाद बबलू श्रीवास्तव की मंशा ये थी कि वो देश के दूसरे हिस्से में किसी से संपर्क करा करके उसको मदद करे, लेकिन चंद्रा स्वामी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बबलू श्रीवास्तव की कोई मदद नहीं की। इसके बाद उसकी मुलाकात हुई नेपाल के दिलशाद बेग से, जो कि वहाँ का न सिर्फ राजनेता था बल्कि दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी था। नेपाल के रास्ते आने वाली ड्रग्स और दूसरे आपराधिक धंधों में दिलशाद बेग का नाम दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी लोगों में जाना जाता था। दिलशाद से मिलने के बाद बबलू श्रीवास्तव ने गुजारिश की कि उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हो और वो उसके लिए काम करना चाहता है। लगातार की कोशिशों के बाद दिलशाद बेग ने उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से दुबई में कराई। करीब 2 घंटे की इस मुलाकात में बबलू श्रीवास्तव ने जो कुछ भी समझाया, जो कुछ भी बताया, उससे उसकी दाऊद इब्राहिम से बेहद करीबी हो गई। वहाँ से वापस लौटने के बाद दाऊद इब्राहिम के चलते बबलू श्रीवास्तव का नाम सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए और विदेश के लिए भी बड़ा हो चुका था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने उसको जिम्मेदारी सौंपी थी कि उसके बिहाफ पर वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी आपराधिक काम होंगे उसका इंचार्ज होगा। एक तरीके से अपराध के धंधे में दाऊद इब्राहिम ने बबलू श्रीवास्तव को भारत में अपना एक एजेंट ही बना लिया था, और इसके चलते बबलू श्रीवास्तव ने ताबड़तोड़ अपहरण के ऐसे मामले अंजाम देने शुरू किए जिसमें करोड़ों रुपए की फिरौती सौंपी गई। इसमें सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग के लोग थे। इन्हीं में से एक LD अरोड़ा जो कि कस्टम में काम करते थे, उनकी हत्या भी दाऊद इब्राहिम के कहने पर बबलू श्रीवास्तव ने की। दरअसल कहा जाता है कि कस्टम अधिकारी LD अरोड़ा ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया था जिसमें दाऊद इब्राहिम को भारी नुकसान हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए बबलू श्रीवास्तव ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। पिछले 26 साल से बबलू श्रीवास्तव इंतजार कर रहा है कि उम्र कैद की जो सजा उसको मिली है वो कब की पूरी हो चुकी है और उसके बाद रिहा किया जाए, लेकिन अभी तक उसको रिहाई नहीं मिली है। उसकी वजह भी साफ है, क्योंकि उम्र कैद की सजा पूरी हो जाने के बाद जब भी उसका मुकदमा अदालत में आता है अगली तारीख मिलती है, सुनवाई नहीं होती, और इसी का नतीजा ये है कि तमाम गंभीर बीमारियों से पीड़ित बबलू श्रीवास्तव जेल के भीतर अभी भी अपने साथियों के साथ बंद है। कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम से उसका अलगाव सिर्फ इसलिए वजह से हुआ क्योंकि साल 1991 में जब मुंबई ब्लास्ट हुआ तो उसने अपने आप को दाऊद इब्राहिम से अलग कर लिया, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव का कहना यह है कि वो देशद्रोही नहीं हो सकता, देश के खिलाफ नहीं काम कर सकता, अपराध के धंधे में वो मजबूरी में आया था। हालांकि सच्चाई जो भी हो, लेकिन 1991 के मुंबई ब्लास्ट के बाद बबलू श्रीवास्तव ने दाऊद इब्राहिम से किनारा कर लिया और यहीं से दाऊद इब्राहिम बबलू श्रीवास्तव का दुश्मन भी बन बैठा। कई बार ऐसा हुआ जब बबलू श्रीवास्तव के ऊपर दाऊद इब्राहिम ने न सिर्फ हमला कराया बल्कि जान लेने की भी कोशिश की, बावजूद इसके बबलू श्रीवास्तव हर बार बच गया। साल 1998 में एक मामले में बबलू श्रीवास्तव को जेल भेजा गया और तब से वो आज तक जेल में है। उसके साथ उसके कई साथी अभी भी जेल में बंद हैं जो कि रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बबलू श्रीवास्तव के काम करने का तरीका बेहद अलग था। वो सबसे ज़्यादा उसने अपराध जो किए वो अपहरण के किए, जिसमें बड़े बिजनेसमैन को ही वो निशाना बनाता था, उसके लिए बाकायदा रेकी करता था और उसके बाद उनका अपहरण करता था, और उस अपहरण के दौरान जो भी फिरौती मिलती थी उसमें तमाम उन लोकल लोगों का भी हिस्सा होता था जो उसकी किसी न किसी तरीके से मदद करते थे। बबलू श्रीवास्तव जेल में जाने के बाद भी अपने आपराधिक धंधों में लगा रहा, उसका नेटवर्क उसके भीतर से भी काम करता था। कहा यह जाता है मुंबई दिल्ली से लेकर के तमाम साउथ के शहरों में भी बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क बन चुका था जिसके जरिए वो अपने अपराध के कामों को अंजाम देता था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि जेल में रहने के दौरान उसने जब दाऊद इब्राहिम से किनारा किया तो एजेंसीज़ की नज़र उस पर लग गई। एजेंसीज़ का माना यह था कि बबलू श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को बेहद करीबी से जानता है, इसलिए अगर कोशिश की जाए तो वो तमाम मदद कर सकता है, और हुआ भी ठीक यही। 1991 के मुंबई ब्लास्ट के बाद उसने न सिर्फ दाऊद इब्राहिम से किनारा कर लिया था बल्कि वो ये भी चाहता था कि उसके अपराध के इतिहास को मिटाने में कोई ना कोई मदद मिले, और एजेंसीज से ज़्यादा मदद उसको कहीं नहीं मिल सकती थी, लिहाजा उसने मदद करने के लिए एजेंसीज़ का हाथ थाम लिया और एजेंसीज़ को इसके बदले मदद करने का भरोसा भी दिया। बबलू श्रीवास्तव के सहारे न सिर्फ बड़े ड्रग्स के सिंडिकेट को तोड़ने में मदद मिली
बल्कि दाऊद इब्राहिम के कई ऐसे ठिकाने, कई ऐसे काम, कई ऐसे लोगों को पकड़ने में मदद मिली जिससे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सरकार को फ़ायदा हुआ। कहा यह जाता है कि इसके बदले बबलू श्रीवास्तव से वादा ये किया गया था कि उसको जेल से छूटने में मदद की जाएगी, उसकी सज़ा पूरी होने के बाद उसको छोड़ने के लिए सरकार से बात भी की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बबलू श्रीवास्तव ने कई बार इस बात का दावा किया, बल्कि अपनी किताब में भी उसने कई बार दावा किया कि किस तरह से उसने एजेंसीज की मदद की, नेपाल में दाऊद के सिंडिकेट को ख़त्म कराया, सिंगापुर, मलेशिया समेत ऐसे देशों में दाऊद के सिंडिकेट को नेस्तनाबूद करने में एजेंसीज की मदद की जो कि सालों से सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। दाऊद इब्राहिम के कई ठिकानों, उसके नेटवर्क और उसके धंधों के बारे में उसने एजेंसीज को बताया और इसके चलते दिल्ली की स्पेशल सेल, मुंबई की ATS, उत्तर प्रदेश की STF और पूरी सरकार की तमाम मशीनरी ने दाऊद इब्राहिम के तमाम धंधों को बंद करने में मदद दी, लेकिन इसके बदले जो वायदा बबलू श्रीवास्तव से किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। अब इसमें सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन बबलू श्रीवास्तव के दावों के मुताबिक उसने सालों साल एजेंसीज की मदद की जिसके चलते कई जगह दाऊद इब्राहिम को नेस्तनाबूद करने में भारी मदद मिली। फिलहाल दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद करने के बाद बबलू श्रीवास्तव इस बात की राह देख रहा है कि शायद उसकी एजेंसीज मदद करें। बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की सेंट्रल जेल में बंद है जो कि बरेली में है, और ये बताया जाता है कि स्वास्थ्य के लिहाज से बबलू श्रीवास्तव की हालत बेहद ख़राब है। आँखों में उसकी दिक्कत है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है और इसके अलावा तमाम उसको स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें भी हैं। बावजूद इसके बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क अभी भी पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम नेटवर्क के उसके लोग जो कि बाहर हैं उसकी किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। ये भी रूमर है कि बबलू श्रीवास्तव जेल के भीतर पूरे ऐशो आराम से रहता है, आम कैदियों की तरह उसका दिन शुरू होता है, लेकिन बाकी पूरे दिन वो अपने तरीके से न सिर्फ वहाँ रहता, खाता, पहनता और टाइम बिताता है, बल्कि उसके लिए वो हर सुविधा मुहैया है जो कि सरकार उसको देना चाहती है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इन सब बातों में कुछ सच्चाई इसलिए भी हो सकती है क्योंकि बबलू श्रीवास्तव कई मायनों में सरकार और पुलिस के लिए मददगार साबित हुआ है। बबलू श्रीवास्तव न सिर्फ अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा कर चुका था, बल्कि एक ऐसे धंधे में भी उतर चुका था जिसको अगर वो जारी रखता तो शायद वो नेता भी बन जाता। उसने कोशिश भी की कि जेल में रहने के दौरान वो सीतापुर से चुनाव लड़ सके, लेकिन उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे और तमाम आपराधिक इतिहास के चलते चुनाव आयोग ने उसका पर्चा खारिज कर दिया और यहीं से उसकी राजनेता बनने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई। कई ऐसे मामले हुए, कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि बबलू श्रीवास्तव को जेल से रिहाई मिल जाएगी, लेकिन कहा यह जाता है कि एजेंसी नहीं चाहती कि बबलू श्रीवास्तव बाहर आए, उसकी कई वजह हैं। कहा यह भी जाता है कि बबलू श्रीवास्तव एजेंसीज के भी कई ऐसे राज जानता है जिसमें उसने मदद की जो बबलू श्रीवास्तव के बाहर आने के बाद, खुलने के बाद किरकिरी हो सकती है। यह भी माना जाता है कि बबलू श्रीवास्तव के बाहर आने के बाद दाऊद इब्राहिम उसकी हत्या करवा सकता है, लिहाजा जानकारी, नेटवर्क और तमाम दूसरी चीज़ों के मद्देनज़र उसका जेल में रहना ही बेहतर है। लेकिन पिछले 26 साल से बरेली की सेंट्रल जेल में बबलू श्रीवास्तव न सिर्फ बंद है बल्कि एक एक दिन इस बात के लिए गिन रहा है कि उम्र कैद की सजा पूरी होने के बाद उसको रिहाई आखिर क्यों नहीं मिल रही है। बरेली जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव के बारे में कहा यह भी जाता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक शांतिपूर्वक जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन कॉलेज की एक घटना के बाद से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और इसके बाद कभी मुड़ करके नहीं देखा। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जेल में रहने के दौरान जब उसने चुनाव लड़ने की कोशिश की तो उसकी दरअसल इच्छा राजनेता बनने की नहीं थी बल्कि फिल्में बनाने की थी और उसका ये ख्वाब अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जेल में रहने के दौरान बबलू श्रीवास्तव ने दो किताबें लिखीं, जिसमें एक किताब लिखी उसका नाम था अधूरा ख्वाब, जिसमें बबलू श्रीवास्तव ने सिलसिलेवार अपनी ज़िंदगी के हर किस्से को लिखा है, जिसमें अपहरण से लेकर के अपराध के रास्ते में जाने तक, दाऊद इब्राहिम से दोस्ती और फिर दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी, अपने तमाम जीवन के वो बातें लिखी हैं जो कि सामने नहीं आई थी। इस किताब के आधार पर एक फिल्म भी बन रही है जिसको कहा यह जाता है कि बबलू श्रीवास्तव और उसके साथी ही फाइनेंस कर रहे हैं। इसके अलावा भी उसने एक किताब लिखी जिसमें तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र था जिनके बारे में एजेंसीज जानना चाहती थी या फिर एजेंसीज को उसने जानकारी दे करके उसकी मदद की। इन किताबों के जानकारी के आधार पर एजेंसीज ने न सिर्फ उस नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद किया जिसके बारे में जानकारी दी थी, बल्कि दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों पर नज़र भी रखी। कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिसमें उसने खुद माना है कि कैसे उसने इस अपराध को अंजाम दिया था। इन्हीं घटनाओं के आधार पर बबलू श्रीवास्तव चाहता था कि वो एक फिल्म बनाए, लेकिन अभी तक उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ है।
क्योंकि बबलू श्रीवास्तव जेल में बंद है और अभी तक उसको रिहाई नहीं मिली है। हालांकि बबलू श्रीवास्तव का साफ तौर पर कहना है कि वो बाहर निकल करके जब भी बाहर आया तब वो अपनी किताब के आधार पर न सिर्फ फिल्म बनाएगा बल्कि अपनी किस्मत दूसरे धंधों में भी आजमाएगा। वो वक्त कब आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जद्दोजहद इस बात की जारी है कि आखिरकार उसकी सजा पूरी होने के बाद वो जेल से कब वापस आ सकता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क आज भी इतना बड़ा है कि अगर वो बाहर कभी आएगा तो शायद अपराध की दुनिया में ही चले, और इसी बात का डर एजेंसीज़ को है। जेल में रहने के दौरान भी सालों साल तक उसे बड़े बड़े राज्यों से लोग मिलते आते रहे और माना जाता है कि सब उसके नेटवर्क का हिस्सा थे। कहा यह भी जाता है कि उसने नेटवर्क में सेंध लगा करके जेल के भीतर से भी अपने अपराध की दुनिया जारी रखी, और जब भी वो बाहर आएगा तो अपने अपराध की गतिविधियों को जारी रखेगा। हकीकत क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी हकीकत यह है कि वो एक ऐसा डॉन जिसको किडनैपिंग का किंग माना जाता है, जिसको स्कूटर चोरी के छोटे से आरोप में जेल में रहना पड़ा, जिसको दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी माना जाता था, जिसने एजेंसीज की मदद की जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जा सका, और जो 26 साल से इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसको जेल से रिहाई कब मिलेगी। तो ये बात थी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू श्रीवास्तव की। अगली बार फिर किसी एक चर्चित हस्ती के बारे में आपको हम बताएंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।